डील से अपन रुक गए थे रास्ते पे, वहाँ पे अभी जा रहे हैं। झील बहुत प्यारी है अभी, गर्द 2 घंटे का सफर है बहुत। तो अभी उसके रास्ते पे गाड़ी बहुत गर्म हो रही, हमारी टांगे भी दर्द हो रही, तो प्लेट लेगी यहाँ पे। गाड़ी गर्म हो गई, गर्म हो गई थी तो उसको भी पानी डाल रहे हैं। और ये स्टेप के कहाँ चेक करें गाइस, फूल तोड़ के लाया लड़की। हमने झील का चारों तरफ से व्यू देखा ना, कितना खूबसूरत था। और अब ब्लैक के पास जाते हैं और फिर व्यू उसका अच्छा दिखाएंगे। गाइस यहाँ मैं लेक के पास बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से 2-3-4-5 सीढ़ियाँ चलनी। गाइस हम फाइनली लेक पर पहुँच चुके हैं, ये देखिए कितना प्यारा व्यू। मैंने आपको वीडियो में कहा था ना पहले भी दिखाऊंगा, तो देखो। अब हम बोटिंग करेंगे, जिसको जिसको अच्छा लगा वो कमेंट में बताना, मस्त भी है ना। तो अब ये यहाँ से पता नहीं कहाँ शुरू होता है, बड़ी लंबी ले ये ब्रिज। हमने फाइनली बोट व्यू करवा लिया, तो अभी आपको मैं लेकर व्यू दिखाता हूँ। ये इतना प्यारा व्यू, मस्त है ना। अभी वो भी व्यू वहाँ से हम आए हैं, मैंने सबसे बड़ी चूक देखी है जैकेट। बोटिंग हो चुकी है फिनिश, बोटिंग से बाहर भी आ चुके हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते हैं, आ जाए। ओ, आगे बार। आ जाए। ओ, दीदी, अब रश भी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो मुझे ठंड भी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस हमें रास्ता में अंकल मिले थे, मैं सोच रहा था इनसे लेके स्टोरी सुन लेते हैं, आप भी ध्यान से सुनना। जनाब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद अनीफ, मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए, मैं यहाँ लोगों को झील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ज़हर एक बंदा यहाँ झील देखने आता है, उसने यहाँ की कहानी नहीं सुनी तो यहाँ झील देखने का फायदा क्या हुआ। जनाब ये एक मरतबा का जिक्र है कि एक शहजादा था मिस्र का, उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहजादे सैफ को,
ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल जी। बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी, सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह उठ कर शहजादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था, शहजादे सैफ का। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज आपको नहीं मिल सकती भाइयों। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, इसलिए आदमजात को नजर नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिले या न मिले मैं झील देखने जरूर जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दो। शहजादे को वहां से इजाजत मिली अपने वालिद से। शहजादा अपने घर से निकल आए, आते आते सारजी रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला वली बुजुर्ग। उस वली बुजुर्ग का वहां रास्ते में मजार था, कोई गैबी वली था रास्ते में बैठा हुआ। शहजादा वहां से गुजर कर आ रहा था झील की तरफ, झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा, है शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे? शहजादे ने कहा कि मैं तो ऐसी एक झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर शहजादे को सुलेमानी टोपी मिलेगी। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंद आ गई जनात। उन जनातों शहजादे को वहां से उठाया मिस्र से, यहाँ लाकर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। शहजादे ने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, अब मुझे परी कैसे मिल सकती है? जिन्हों ने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने यहीं पर 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन के बाद अल्लाह से दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ आने के लिए आ रही है कोई काफ से, और कोई काफ जो है रूस में और खिचड़िए की तरफ है रशिया में, वहाँ पर भी प्रस्थान है। वहाँ से यहाँ सब सहेली आई हुई थी यहाँ आने के लिए। अपनी जी थी वही बदर जमात जो उसने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ आते हुए देखा, जिन्हों को भेजा, जिन यहाँ पर पहुँचे, परी की पारी यहाँ से उठाई, शहजादे सैफ को मिल गई। दूसरी सहेली वो यहाँ से भाग गई, बदर जमाल वो यहीं रहेगी अकेली। फिर शहजादा उसके सामने आए, परी भी और शहजादा भी दोनों आमने सामने आ गए। परी ने शहजादे सैफ को कहा, है शहजादे मैं आपके साथ वादा करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि चले जाऊँगी जरूर, आज मुझे इजाजत दी जाए कि मेरे पास मुझे वापस दे दें, मैं एक देव के कैद में हूँ। अगर वो देव यहाँ पहुँच गया दोनों को ख़त्म कर देगा। शहजादे ने नहीं मनी, उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी? परी भी और शहजादा भी दोनों इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गई। इस नारान में इंसानों की बादी नहीं थी, ये जंगल था। दूसरी सहेली को एकाफ पहुंची, वहां जाकर देव सफेद को बताया जिसने वहां कैद किया हुआ था कि मलका बदर जमाल जी हमसे जुदा होगी, कोई पता नहीं झील में डूब भी किया हुआ। देव वहां से ढूंढने के लिए तलाश के लिए निकला, यहां कर पहुंचे, यहां से जो पानी जा रहा है ये नाला, उस वक्त ये झील यहां से बंद थी, बड़ी झील थी, ऊंची झील थी, ऊपर तक ये भरी हुई थी। पानी का रास्ता वो जो घर नजर आ रहे हैं, घरों की बैक साइड में नाला है, नाले के बीच में से गुजर कर उस तरफ को जा रहा था। बाद में जी फिर क्या हुआ कि देव ने ये झील को यहाँ से तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब जो परी का पता चल जाएगा, नीचे गिर गई हो, डूब गई हो, उसको मैं यहाँ से बाहर निकालू। जब देव ने ये झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था, नारान में तूफान गया फ्लड, वहाँ जाके जब नारान के अंदर पहुँचे, परी और शहजादे ने अल्लाह से दुआ मांगी। उस जमाने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारान के अंदर जमीन में एक पहाड़ बन गया, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया गार, जिस गार के अंदर परी और शहजादा दोनों छुप के, दाई साइड तो भी तूफान गुजर गया और बाई साइड तो भी। ये गार जो है नारान में अभी भी मौजूद है, सब लोग उस गार को भी देखते हैं। ये जो बड़ा होटल है झील रोड पे, सैफुल मुल्क होटल, यहाँ से आप झील की तरफ को मोड़े टर्न किए हुए, सैफुल मुल्क होटल के बिल्कुल नीचे है, छोटी सी पहाड़ है, ऊपर कब्रिस्तान है वहीं मकामिया लोगों का, नीचे उनका गार है, गार के अंदर लाइट नहीं जलती, वहाँ पे लोग लाइट टॉर्च रोशनी लेकर जाते हैं, वहाँ से ठंडी हवा आ रही है, मशहूर गार है। देव सुबह जो था सर जिसने ये झील को तोड़ा था, वही देव परी को ढूंढा ढूंढा देव सही में जाकर पहाड़ के साथ पहाड़ बन गए और पत्थर बन गए, इसलिए जगह का नाम रखा हुआ देव सही अस्करदू में। परी भी और शहजादा भी काफ़ी अरसा इसी गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जैन उनके कब्जे में थे, उन जिन्हों ने परी को और शहजादे को बताया, आई तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जो है वापस जा सकते हैं। उन जिन्हों ने परी को और शहजादे को इस गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुँचाए, इसके नाम की वजह से झील का नाम जो था जी शुरू हुआ, इसकी तारीख बनी, उसके बाद यहाँ लोग कहानी शुरू हुई, कहानी ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।
कहानी हो चुकी है खत्म। इस फ्लैट के बारे में थी कहानी, जब बच्चे इधर खेल कूद रहे हैं शेप में, तो कहानी बहुत अच्छी थी। आपको क्या समझ लगे कमेंट में बताना। तो अंकल अल्लाह हाफिज़, थोड़ी बहुत अच्छी थी। वापस आ चुके हैं, इस ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। से लेटर, बाय बाय।